टीटीपीसी परियोजनाओं को स्थापित करने में हुए जालाग्राम में विस्थापितों को लंबे आंदोलन के बाद और गोमियो विधायक श्रीमती बबीता देवी एवं पूर्व विधायक श्री योगेंद्र प्रसाद के अथक प्रयास के बाद पुनर्वास किया जाएगा। टीटीपीसी महाप्रबंधक सनातन सिंह व गोमिया सीओ यशवंत नायक ने तिलैया गांव पहुंचकर पुनर्वास स्थल का मुआयना किया, साथ ही सभी लाभार्थियों और सभी लोगों के बारे में काम करने के निर्देश भी जारी किए। आप कब से शुरू हो रहा है? बस जल्दी ही करा रहे हैं, आपका टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है। ओ आर यानी कि सर यानी कि प्लॉटिंग है, लेबलिंग के बाद प्लॉटिंग भी हो जाए, नक्शा उसका ड्राइंग तो बना, क्योंकि अभी आपका 4 महीना का टाइम लिया था, 4 महीना 22 दिन मात्र बचा हुआ, उधर आपका मार्च तक में फिर आपका ये आचार संहिता लागू हो जाएगा तो बहाना पा लेंगे। आचार संहिता का मामला इसमें नहीं बनता, तो पहले इसीलिए तो कह रहे हैं सर कि हम लोग का कब से शुरू कर दे रहा है, बस ताकि हम लोग का विश्वास बना रहे, ताकि हम लोग का भरोसा रहे। प्लान है ना, हम लोग शुरू कर सकते हैं जी, कीजिए ना भाई, तभी हम लोग का मैंने सीओ साहब से बोला जो प्लान है सर उसको अलर्ट कर दीजिए, प्लान है उसको अलर्ट कर दीजिए, शुरू कर सकते क्या हम लोग का? यही ना दिमाग है, जहाँ प्लान है वहाँ हम लोग शुरू कर जी, जिसमें ज्यादा गड्ढा पाएगा कुछ क्षतिपूर्ति करके वो लोग भी अपने भी मैनेज कर लेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अगर नहीं कर पाएंगे विभाग से दिक्कत है। वो सब तो बात का चीज है ना, अभी पहले लेवल एक बार झाड़ी उड़ी कर जाएगा, लेवल वेवल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रभात, हम कहते हैं जिस इसे बना दिया, यदि हमारा आंगन में दो खांची मिट्टी लगा तो उसको हम नहीं कर सकते हैं? वही चीज तो बोल रहे हो, वही चीज तो बोल ही रहे, मिल जाएगा तो हो जाएगा, पहले मिल तो जाए सही जी, बस इसको एकदम जितना जल्दी निकाल दीजिए और एकदम शुरू कर दीजिए। अब बताइए वो सब कौन से बनाए थे जीएम साहब, आप बनाए दूसरा कोई बनाए? सरकार है वो, हेल्थ सेंटर में बना चले, ना इधर बनाया टीवीएल से बना, ये जो है ये ना वो भी आपको वो भी टीवीएल का है, बनाता है यही वाला बोलता लोग, इसमें कौन बनाया था? 32 को इंद्रा बनवाया है, बनवाया था कोई, ये